स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज साचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी बीएड और बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से हमने लिया है। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा क्वेश्चन आज के टॉपिक पर बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में कि हार्डी विनबर्ग का नियम क्या है और इस नियम के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसका आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को हम टू पार्ट्स में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस कर रहे हैं आज इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। ओके, तो छोटी सी बात हम समझें कि आज का टॉपिक बेसिकली हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कहीं पर कोई पॉपुलेशन है, समष्टि है, और हम स्टडी कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या उस पर्टिकुलर समष्टि में जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है या जो जैव विकास या जो उद विकास की क्रिया हो रही है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की क्रिया कब तो होगी और कब उस समष्टि में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की क्रिया नहीं होगी। तो आज का डिस्कशन या आज का जो टॉपिक है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि किसी भी पॉपुलेशन में या समष्टि में जैव विकास की क्रिया कब होगी और कब नहीं होगी, यानी कब तो इवोल्यूशन होगा और कब इवोल्यूशन नहीं होगा, ये सूचना ये जानकारी हमें हार्डी विनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल से मिलती है। तो टॉपिक किससे संबंधित है ये क्लियर हुआ। टॉपिक संबंधित है जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। ओके, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा कि जो ये हार्डी विनबर्ग लॉ है एक्चुअल में ये हमें बताता है कि जो जैव विकास की जो क्रिया है उसका आनुवंशिक आधार क्या है। तो जो हार्डी विनबर्ग लॉ है इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हार्डी विनबर्ग लॉ हमें ये बताएगा कि किसी भी पॉपुलेशन में जो जैव विकास की क्रियाएं होती हैं उनका आनुवंशिक आधार क्या है। तो एग्जाम में इस नाम से आ जाए हार्डी विनबर्ग नियम को समझाइए तब भी बात एक ही पूछी गई है, या एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जैव विकास के
आनुवंशिक आधार को समझाइए, तब भी हमारे लिए हार्डी विनबर्ग नियम ही हमें एग्जाम में लिखना है। तो ये दो नामों से क्वेश्चंस बनते हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ के नाम से आ जाए या जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के नाम से आ जाए। यहां तक ठीक? तो नियम हमें बताएगा कि किसी भी पॉपुलेशन में जैव विकास की क्रिया कब होगी और जैव विकास की क्रिया कब नहीं होगी, ये सूचनाएं, ये जानकारी हमें हार्डी विनबर्ग नियम से प्राप्त होती है। अब नियम कहता क्या है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं नियम की, किन परिस्थितियों में नियम लागू होगा, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, क्या कहा? तो दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है जी एच हार्डी और दूसरे का नाम है डब्ल्यू विनबर्ग। तो जी एच हार्डी एंड डब्ल्यू विनबर्ग, इन दो वैज्ञानिकों ने पहली बार ये जानकारी दी कि किसी पॉपुलेशन में जैव विकास की क्रिया कब होगी और कब नहीं होगी। तो उन्हीं वैज्ञानिकों के सम्मान में इस नियम का नाम क्या रखा गया, हार्डी विनबर्ग नियम। तो नियम दिया दो वैज्ञानिकों ने, एक जी एच हार्डी और दूसरा डब्ल्यू विनबर्ग। अब नियम क्या कहता है, महत्वपूर्ण बातें नियम की मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। पहली चीज, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बात की है तो बात की है किसकी, एक ऐसी पॉपुलेशन की बात की है जिसका साइज बड़ा है। तो अगर कोई पॉपुलेशन बड़े आकार वाली है और उसके जो सदस्य हैं वो रैंडम रूप से मेटिंग करते हैं, यानी उस पॉपुलेशन के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ बिना किसी अवरोध के, बिना किसी पार्शियलिटी के लैंगिक विधि से जनन करते हुए, तो एक ऐसी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं जिसका आकार बड़ा है और जिसके सदस्य रैंडम रूप से मेटिंग करते हैं, यादृच्छिक प्रजनन कर सकते हैं, ऐसी एक पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जिनमें लैंगिक विधि से जनन होता हो उन्हें हम मेंडेलियन पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक मेंडेलियन पॉपुलेशन का उदाहरण है। तो क्या किया कि एक बड़े आकार वाली यादृच्छिक रूप से जनन करने वाली मेंडेलियन पॉपुलेशन थी। यहां तक ठीक? नंबर टू, और इस पॉपुलेशन पर हम कहें कि जो भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, यानी जो उद्विकासीय बल हैं, हालांकि हम डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी जानकारी के लिए हम लिख दें कि वो उद्विकासीय बल कौन कौन से हैं। जैसे एक उद्विकासीय बल का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण, ये एक उद्विकासीय बल हो सकता है।
दूसरे का नाम है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये भी एक उद्विकासीय बल हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवंशिक विचलन, ये भी एक उद्विकासीय बल हो सकता है। तो बात की एक बड़े आकार वाली यादृच्छिक रूप से जनन करने वाली मेंडेलियन पॉपुलेशन की, और दूसरी बात क्या की कि इस पॉपुलेशन पर किसी भी प्रकार का कोई उद्विकासीय बल कार्य नहीं कर रहा, यानी जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं दे ऑल आर कंप्लीटली एब्सेंट। मतलब उस पॉपुलेशन पर ना तो नेचुरल सेलेक्शन काम कर रहा है, ना उत्परिवर्तन काम कर रहा है, और ना ही आनुवंशिक विचलन काम कर रहा है। तो इवोल्यूशनरी फोर्सेस, उद्विकासीय बल कंप्लीटली एब्सेंट है वहां पर। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, ऐसी पॉपुलेशन में क्या होगा, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर ऐसी कंडीशंस रहती हैं तो ऐसी जो पॉपुलेशन होगी उसमें नंबर एक, जो जीन पूल है वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। जीन पूल में जनरेशन टू जनरेशन हम एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाएंगे तो क्या देखते हैं, जीन पूल नियत बना रहता। एक चीज, जीन फ्रीक्वेंसी जो है, जीन की जो आवृत्ति है वो भी कांस्टेंट बनी रहती है, और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, जीन प्रारूप का अनुपात है, वो भी कांस्टेंट बना रहता है। यहां तक ठीक? तो क्या बात है कि मोटे रूप में कि एक बड़े आकार की यादृच्छिक रूप से जनन करने वाली मेंडेलियन समष्टि है, और वहां किसी भी प्रकार का कोई उद्विकासीय बल कार्य नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नियत बने रहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे जब परिवर्तन नहीं आए, जीन पूल कांस्टेंट, जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो क्या होगा कि जो इवोल्यूशन की रेट है, उद्विकास की दर है, वो जीरो हो जाएगी, और किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन उस पॉपुलेशन में नहीं होगा। तो ये जो जानकारी हमने डिस्कस की, इसी को हार्डी विनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। यहां तक ठीक? यहां तक आपको समझ में आया? अब अगली बात, हार्डी और विनबर्ग ने क्या किया, अपने इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, यानी अपने इस नियम, अपने इस सिद्धांत को इन वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकली गणितीय रूप से भी प्रदर्शित किया कि किस प्रकार जीन आवृत्ति नियत रहेगी और किस प्रकार जीन प्रारूप आवृत्ति नियत रहेगी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर कल इसका जब सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि जीन पूल क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
वो शर्तें क्या है जो हार्डी विनबर्ग नियम के लागू होने के लिए आवश्यक होती है। तो पहले मैथमेटिकल गणितीय रूप से इन वैज्ञानिकों ने हार्डी विनबर्ग नियम को कैसे रिप्रेजेंट किया, इसे हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा है कि अगर उद्विकासीय बल नहीं है तो जीन आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहेगी। तो समझते हैं इसको कि एक पॉपुलेशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं और उस पॉपुलेशन में दो प्रकार के जीन या एलील प्रेजेंट है, जो पी के द्वारा मैंने प्रेजेंट किया, ये डोमिनेंट यानी प्रभावी एलील की आवृत्ति है। क्यू है वो रिसेसिव अप्रभावी एलील है, उसे हमने क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया। क्या कहता है नियम कि जो जीन आवृत्ति है यानी पी डोमिनेंट जीन की या एलील की आवृत्ति, क्यू रिसेसिव एलील की आवृत्ति, तो नियम में कहा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीन आवृत्ति नियत रहनी चाहिए। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखेंगे कि प्रभावी और अप्रभावी एलील की आवृत्ति वन यानी कांस्टेंट नियत बनी रहेगी। तो ये पहला गणितीय प्रदर्शन किया हमने हार्डी विनबर्ग नियम का, कि कोई बड़े आकार की रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है जहां उद्विकासीय बल एब्सेंट है तो वहां जीन आवृत्ति नियत बनी रहती है और इसके कारण जैव विकास की क्रिया नहीं होगी। बात ठीक है। दूसरा हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओके, ये हमने बात की है जीन प्रारूप आवृत्ति की। किसी भी सदस्य के अंदर द्विगुणित अवस्था 2n अवस्था है तो एलील जोड़ियों में होंगे। तो जीनोटाइप पहले प्रकार का बना पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये प्रभावी समयुग्मजी जीन प्रारूप वाले सदस्य हैं। दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप पी स्क्वायर। इसी तरह जो क्यू स्क्वायर यानी क्यू क्यू, ये होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मजी अप्रभावी जीन प्रारूप वाले सदस्य हैं। तीसरा है पी क्यू, ये हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजी है लेकिन डोमिनेंट प्रभावी है। तो ये तीन प्रकार के जीनोटाइप मैंने दिखाए, समयुग्मजी प्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी प्रभावी। इन तीनों की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अगर नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तब भी उस समष्टि में जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की कोई क्रिया नहीं होगी। उद्विकास की दर जीरो होगी, इवोल्यूशन की रेट जीरो होगी। तो ये दो गणितीय प्रदर्शन है। यहां पी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की, ये फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव एलील की। पी स्क्वायर है वो आपके डोमिनेंट होमोजाइगस हैं, ये रिसेसिव होमोजाइगस हैं, ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस हैं। तो तीन प्रकार के जीनोटाइप और इनकी आवृत्ति सॉरी इनकी फ्रीक्वेंसी भी पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट है। तो ये हमने मैथमेटिकली हार्डी विनबर्ग नियम को यहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हार्डी विनबर्ग नियम कार्य करता है। ओके, यहां तक ठीक। तो अब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पहली जानकारी तो ये डिस्कस की हम लोगों ने कि हार्डी विनबर्ग
नियम है क्या। तो हमने क्या डिस्कस किया कि ये नियम हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी समष्टि में जैव विकास की क्रिया कब होगी और कब नहीं होगी। तो हम ऐसा कहते हैं कि हार्डी विनबर्ग लॉ जैव विकास के आनुवंशिक आधार को समझाता है, इसलिए इसे उद्विकास का आनुवंशिक आधार भी कहा जाता है। फिर हमने समझा ये नियम क्या है, तो हमने कहा कि ये नियम हम अप्लाई कर रहे हैं बड़े आकार वाली यादृच्छिक रूप से जनन करने वाली मेंडेलियन पॉपुलेशन में। मेंडेलियन का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जिसके सदस्य लैंगिक विधि से जनन करते हो, वो मेंडेलियन है। दूसरी बात की ऐसी कोई पॉपुलेशन हो और वहां उद्विकासीय बल अनुपस्थित हो, नेचुरल सेलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, ऐसा कोई उद्विकासीय बल अगर वहां नहीं लग रहा है तो हम क्या देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन पूल, जीन आवृत्ति, जीन प्रारूप आवृत्ति नियत बनी रहती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। और उसका परिणाम ये होता है कि ऐसी समष्टि में जैव विकास की दर शून्य होती है, ऐसी समष्टियों में जैव विकास या इवोल्यूशन नहीं होता। फिर हमने डिस्कस किया कि जो हार्डी विनबर्ग लॉ है इसे मैथमेटिकली हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो हमने पहला जो एक्सप्रेशन किया है वो बताया है कि पी डोमिनेंट एलील की आवृत्ति है, क्यू रिसेसिव एलील की आवृत्ति है, और हम देखते हैं पी प्लस क्यू अगर उद्विकासीय बल नहीं है, समष्टि बड़े आकार वाली है, रैंडम मेटिंग हो रही है, तो हम देखते हैं डोमिनेंट एलील पी और रिसेसिव एलील क्यू की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट बनी रहती है, यानी जैव विकास की दर जीरो हो जाती है। दूसरा प्रदर्शन हमने किया जीनोटाइप आवृत्ति के लिए। तो तीन प्रकार के जीन प्रारूप जीनोटाइप बताए हैं, समयुग्मजी प्रभावी पी स्क्वायर, समयुग्मजी अप्रभावी क्यू स्क्वायर, और विषमयुग्मजी प्रभावी पी क्यू। तो हम देखते हैं कि जब पॉपुलेशन बड़ी रैंडम मेटिंग वाली है, उद्विकासीय बल नहीं है, तो हम देखते हैं जीन प्रारूप की जो आवृत्ति है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है, मतलब किसी भी प्रकार के जैव विकास की कोई क्रिया वहां पर नहीं होती। तो एक बेसिक जानकारी अभी तक हमने डिस्कस की हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में, और वो हमें समझाता है जैव विकास के आनुवंशिक आधार को। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्डी विनबर्ग लॉ है या ये जो नियम है ये किन स्थितियों में लागू होगा, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या नियम के लागू होने के लिए आवश्यक हैं। अगर ऐसी कंडीशंस है तभी उस पॉपुलेशन पर हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, एक आज डिस्कस करेंगे, बाकी की मैं कल डिस्कशन करूंगा। तो पहली बात करते हैं पॉपुलेशन लार्ज हो, बड़े आकार वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है,
पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, कि जो समष्टि है जिस पर हम हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई करना चाहते हैं उस पॉपुलेशन का आकार बड़ा होना चाहिए। अगर कोई पॉपुलेशन छोटे आकार की है, स्मॉल साइज की है, तो वहां पर हार्डी विनबर्ग नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये कि ये जो प्रिंसिपल है या ये जो नियम है वो केवल बड़े आकार की समष्टियों पर ही लागू होता है। बड़े आकार का मतलब है ऐसी समष्टियों में सदस्यों की संख्या या जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन अगर लार्ज है तो ही हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है तो हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमने डिस्कस की साइज ऑफ पॉपुलेशन, और ऑलवेज पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। अगर वो स्मॉल है तो हम हार्डी विनबर्ग लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर टू, दूसरी बात की है रैंडम मेटिंग की, यादृच्छिक प्रजनन, यानी पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स को ये स्वतंत्रता है कि वे बिना किसी अवरोध के समान आवृत्ति से प्रजनन कर सके। रैंडम मेटिंग, कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य के साथ प्रजनन या मेटिंग करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी वहां पर उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो जो सेकंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। अब एक कल्पना करें कि अगर पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग नहीं होती, तो जब रैंडम मेटिंग नहीं होगी तो पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स होंगे वो अधिक तेजी से प्रजनन करेंगे या जनन की क्रिया में सम्मिलित होंगे, और कुछ सदस्य किसी कारणवश जनन की क्रिया में या मेटिंग की क्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन आवृत्ति है, उसमें विचलन आ जाएंगे। वो जो कांस्टेंट थी वो कांस्टेंट रहेगी नहीं, और जब पी प्लस क्यू बराबर वन, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हार्डी विनबर्ग लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग का होना जरूरी है। तो पॉपुलेशन एक तो लार्ज हो, दूसरा पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। कल हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन से हैं, जैसे म्यूटेशन है वो किस प्रकार प्रभावित करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस प्रकार प्रभावित करेगा, नेचुरल सेलेक्शन किस प्रकार प्रभावित करेगा, और माइग्रेशन प्रवास का क्या प्रभाव होगा। इन फोर्सेस के बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे कि वो किस प्रकार जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं, और जब ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं होंगे तो किस प्रकार जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और जीन पूल में चेंजेस नहीं आएंगे और इवोल्यूशन नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।